Dear students, in our last lecture, we have seen Being Neighborly Part 1. Today, we will see the Part 2 of this lesson, of this story. In our last video, we have seen that there are four sisters in March's family. The name of the four sisters are Meg, Jo, Beth and Amy. They have a neighbor, Mr. Lawrence. But in that house, only two persons live. A gentleman and his grandson. Today, we will see the remaining story. To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace. Enchanted means placed under a spell, magic, full of splendors and delights which no one enjoyed. To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace. कि वो देखने के बाद जो वहाँ पे वो घर था, वो पैलेस था, जो एक हमने देखा स्टोन मैंशन था, है ना, तो उसकी तरफ देखने के बाद जो को ऐसा लगा ये जो पैलेस है कैसा, अ काइंड ऑफ एन्चेंटेड, कोई तो भी मैजिकल स्पेल जो है, कोई तो भी जादू का प्रभाव उस घर के ऊपर है. इट वॉज़ फुल ऑफ स्प्लेंडर्स, स्प्लेंडर भव्यता से, दिव्यता से वो भरा हुआ था. एंड डिलाइट्स, हर तरफ का डिलाइट्स, हैप्पीनेस, खुशी वहाँ पे थी, विच नो वन एन्जॉयड, जो कोई भी एंजॉय नहीं करता है लाइफ में, ऐसा सब कुछ वहाँ पे था. ऐसा जो को मतलब वो इमेजिनेशन करने लगी, उस घर को देख के सोचने लगी. शी हैड लॉन्ग वॉन्टेड टू बिहोल्ड दिस हिडन ग्लोरीज. हिडन ग्लोरीज वहाँ पे जो भी छुपी हुई बातें थी, हिडन भव्यता दिव्यता थी उस घर की, वो सारी हिडन ग्लोरीज. एंड टू नो द लॉरेंस बॉय, शी हैड लॉन्ग wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy. कि बहुत दिनों से उसके मन में ये इच्छा थी, वो चाहती थी कि उस घर में ये सारी छुपी हुई जो बातें है, जो भी उस घर की ये भव्यता दिव्यता दिखती है, उसे और वो जो लॉरेंस बॉय है वहाँ पर, जो एक लड़का रहता है, उनको जानना वो चाहती थी. Who look as if he would like to be known. और उसे देख के ये भी ये लगता था कि वो खुद भी चाहता है कि उसकी भी किसी के साथ पहचान हो जाए. इफ ही ओनली न्यू हाउ टू बिगिन, अगर उसको सिर्फ इतना पता चले कि शुरुआत कैसे करना, तो वो भी यही चाहता है कि उसकी भी किसी के साथ पहचान हो जाए, ऐसा उसे देख के लगता था. सिंस द पार्टी, शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर एंड हैड प्लान्ड मैनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम. और पार्टी से लेकर, एक पार्टी वहाँ पे हुई थी, तब पार्टी से लेकर उसने बहुत बार, मतलब वो ईगर थी ये जानने के लिए या उस लॉरेंस बॉय के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए. एंड हैड प्लान मैनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम, और बहुत बार उसने प्लान भी किया उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए. एंड बट ही हैड नॉट बीन सीन लेटली, लेकिन बहुत दिनों से वो जो लॉरेंस बॉय है, वो लड़का, वहाँ पे उसे नहीं दिखाई दिया था. एंड जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे, और जो ने तब सोचना शुरू किया कि शायद वो जो लड़का है कहीं पे घर पे नहीं है, बाहर जा चुका है. व्हेन शी वन डे स्पाइड अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो लुकिंग विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली सैड थिंकिंग ऑफ द पास्ट, लॉन्गिंगली और सैड थिंकिंग ऑफ द पास्ट. डाउन इन टू देयर गार्डन वेयर बेथ एंड एमी वेयर स्नोबॉलिंग वन अनादर. तो एक दिन क्या हुआ, व्हेन शी वन डे स्पाइड अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो, कि ऊपर की विंडो में जब उसे एक ब्राउन कलर का फेस जो है उसने चुपके से देखा, स्पाइड वॉच लाइक अ स्पाई, तो स्पाई की तरह देखना, जब उसने देखा कि वहाँ पर वो लड़का खड़ा है, ठीक है, लुकिंग विस्टफुली डाउन इन टू देयर गार्डन, जो क्या कर रहा था, लॉन्गिंगली ऐसा उसके तरफ देख के ऐसा लग रहा था
कि वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा उसका जो मूड है वो सैड है, इस तरह से विस्टफुली वो गार्डन गार्डन की तरफ देख रहा था। वेयर वेथ एंड एमी वेयर स्नोबॉलिंग वन अनदर, जहाँ पे जो कि दो यहाँ पे जो कि जो दो बहनें हैं बेथ और एमी, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बर्फ के गोले मार के फेंक रहे थे। तो इस समय वो लड़का जो है उनके तरफ देख रहा था। दैट बॉय इज सफरिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड फन, सी सेड टू हरसेल्फ। तो जो ने खुद से ही वो कहने लगी कि ये जो लड़का है इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज से भी दूर है और उसके जीवन में कोई फन नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, इन सारी चीज़ों से वो क्या है, दूर है, ऐसा वो सोचने लगी। हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम, उसके जो ग्रैंडपा है उसे ये पता नहीं है कि अपना जो ग्रैंडसन है उसके लिए क्या अच्छा है। एंड कीप्स हिम सेट अप ऑल अलोन, और वो उसे क्या करते हैं, घर के अंदर ही बंद रखते हैं, घर में ही रखते हैं। ही नीड्स अ पार्टी ऑफ जॉली बॉयज टू प्ले विथ, उसे गरज है किन चीज़ों की, पार्टी ऑफ अ जॉली बॉयज जो एकदम फन करते रहते हैं, जॉली मूड में रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, ऐसे बच्चों के लड़कों के पार्टी की ग्रुप की उसको गरज है जो उसके साथ क्या करे, खेले। और somebody young and lively, या तो फिर कोई ऐसा उसके एज का एंग लड़का और ल्यूली जो जिसका जीवन कैसा हो, एकदम जिसमें सजीवता हो, हाँ जो खुशी से जीता हो, हैप्पीनेस से जीता हो, ऐसे किसी तो भी व्यक्ति की उसे ज़रूरत है, ऐसा वो सोचने लगी। आई हैव ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, तो मेरा बहुत मन है कि मैं क्या करूँ, मेरा बड़ा मन है, बहुत मन है कि मैं वहाँ जाऊँ और वो जो जेंटलमैन है या फिर उस लड़के के जो ग्रैंडपा है उनसे मैं ये सारी बातें कहूँ कि ये जो लड़का है उसे ऐसे कंपनी की गरज है वगैरह वगैरह। तो ऐसा मैंने सोचा, या जो है उसने ऐसा सोचा। द आइडिया एम्यूज जो, एम्यूज्ड टू एंटरटेन, एम्यूज का मतलब टू एंटरटेन, ओके। द आइडिया एम्यूज जो हु लाइक टू डू डेयरिंग थिंग्स एंड वॉज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मेक बाय हर पियर परफॉर्मेंसेस, स्कैंडलाइजिंग टू शॉक, स्कैंडलाइजिंग मीन्स टू शॉक, और यहाँ पे आया पियर परफॉर्मेंसेस मीन्स स्ट्रेंज एक्ट, स्ट्रेंज एक्ट, ओके। द आइडिया एम्यूज जो, ये जो आइडिया थी, इस आइडिया ने जो को थोड़ा एंटरटेन किया या फिर ये आइडिया उसे थोड़ी मज़ेदार लगी। हु लाइक टू डू डेयरिंग थिंग्स एंड वॉज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मेक बाय हर पियर परफॉर्मेंसेस, तो उसे हमेशा क्या कौन सी बात पसंद थी, डेयरिंग थिंग्स पसंद थी, और उसकी जो सिस्टर है मेक, उस मेक को हमेशा कोई भी स्ट्रेंज एक्ट करके क्वियर परफॉर्मेंसेस के साथ या फिर ऐसी कोई भी विचित्र प्रकार की कृतियाँ करके काम करके हमेशा उसे शॉक देना, स्कैंडलाइजिंग करना उसे बड़ा अच्छा लगता था। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वॉज नॉट फॉरगॉटन, वहाँ पे जाने का उसका जो जो प्लान था जो का, वो कभी भूली नहीं, इट वॉज नॉट फॉरगॉटन। एंड व्हेन द स्नोई आफ्टरनून केम, जो रिजॉल्व टू ट्राई, रिजॉल्व मीन टू डिसाइड, रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन, और जब स्नोई आफ्टरनून हो गई तब जो ने डिसाइड किया कि वो क्या कर सकती है, क्या किया जा सकता है, उसने वो रिसॉल्व किया, डिसाइड किया। सी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज, सैलिड मीन्स सेट आउट टू डू समथिंग, सैलिड मीन्स सेट आउट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए निकल पड़ना। तो उसने क्या देखा, सी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, उसने देखा जो मिस्टर लॉरेंस है जो ग्रैंडफा है अपने कार में बैठ के वो वहाँ से निकल गए। एंड देन सैलिड आउट टू डी घर वे डाउन टू द हेज, तो हेज मीन्स वही हमने जो देखा था फेंस ऑफ बुशेस, झाड़ियों से बना हुआ जो फेंस है, ठीक है। तो वहाँ का जो एरिया है वो डिग करने के लिए, या वहाँ वहाँ पे जो स्नोफॉल हुआ था वो वहाँ से हटाने के लिए वो वहाँ अपने काम पे निकल गए। वेयर सी पॉज्ड एंड टूक अ सर्वे, जहाँ पे जाके वो रुक गई और उसने सर्वे लिया, देखा उसने क्या देखा, वही लॉरेंस का जो घर था जिसमें लॉरी रहता था उसके तरफ देखा। ऑल क्वाइट
कर्टन्स डाउन एट द लोअर विंडोज, सब कुछ क्वाइट था, शांति थी वहाँ पे। कर्टन्स डाउन एट द लोअर विंडोज, जो कर्टन्स है लोअर विंडो तक नीचे आए हुए थे। सर्वेंट्स आउट ऑफ साइट्स, कोई नौकर जाकर वहाँ पे नहीं दिख रहा था। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट अ कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो, कोई भी नहीं था। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल, कोई मनुष्य भी वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। बट अ कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो, ऊपर की विंडो के ऊपर वहाँ पे उसे वो लड़का दिखाई दिया जिसके हेयर कैसे थे, कर्ली थे, कर्ली ब्लैक, और हेड वो अपना जो सर है या गर्दन है उसको उसने अपना जो थीन हैंड है, ठीक है, बारीक सा जो हाथ है उसका आधार देके उसके ऊपर वो सर उसने रखा हुआ था। देयर ही इज, थॉट जो, तभी जो ने सोचा कि देयर ही इज, वहाँ पे है वो लड़का, पुअर बॉय, बेचारा गरीब लड़का, ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमल डे, ऑल अलोन एंड सिक, सिक पता है आपको बीमार होना, डिसमल मीन्स ग्लूम, ग्लूमी, उदास, ग्लूमी, या फिर कॉजिंग ग्लूम, जो खिन्नता क्या करता है, पैदा करता है। इट्स अ सेम, उसने क्या कहा, ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमल डे, कि ऐसा जो दिन है जो कैसा है, जो ग्लूम उत्पन्न कर रहा है, उदासी उत्पन्न कर रहा है, इस दिन ये लड़का शायद बीमार है और अकेला है, ऐसा वो सोचने लगी। इट्स अ सेम, कि ये तो सेम की बात है कि वो अकेला ही रहता है, उसे अकेला ही रहना पड़ता है, घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता है, आजू बाजू में कोई नहीं है, ये तो सेम की बात है। आई शैल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट, मैं क्या करूँगी, जो स्नो बॉल है बर्फ का गोला जो है ऊपर फेंकूंगी, टॉस करूंगी, मतलब यहाँ पे ऊपर फेंकूंगी और उसे मेरे तरफ या फिर बाहर देखने के लिए मतलब स्नो बॉल फेंक के वो क्या करेगा, फिर मेरे तरफ देखेगा, बाहर नीचे देखेगा। एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम, और जब वो मेरे तरफ देखेगा उसे कुछ काइंड वर्ड मैं कहूँगी, कुछ दया के शब्द, या मैं उसके साथ बात करूँगी। अफ वेंट अ हैंडफुल ऑफ सॉफ्ट स्नो एंड द हेड टर्न एट वंस, तो उसने अपने हाथ में थोड़ा सा बर्फ ले लिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तभी उस लड़के ने क्या किया, नीचे देखा, मुड़ के देखा। शोइंग अ फेस विच लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक, लिस्टलेस लैकिंग एनर्जी, लिस्टलेस लैकिंग एनर्जी लुक इन अ मिनट एज द बिग आईज ब्राइटन एंड द माउथ बिगैन टू स्माइल, तभी उस लड़के ने जब देखा तब उसका जो चेहरा है जो को दिखाई दिया, इट वॉज लिस्टलेस, ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी उसमें नहीं है, एनर्जी का जो है अभाव उसके चेहरे के ऊपर दिख रहा था। इन अ मिनट क्या हुआ, एज द बिग आईज ब्राइटन एंड द माउथ बिगन टू स्माइल, जब उसने जो के तरफ देखा तभी उसके जो बड़े बड़े आंखें थी, इट वॉज ब्राइटन, उसमें एक प्रकार की चमक दिखाई दी। एंड द माउथ बिगन टू स्माइल, और उसने देख के जो हंसना है हंसना चालू कर दिया। जो नॉडेड एंड लव, जो ने भी उसके तरफ देख के अपनी जो मुंडी है गर्दन है हिलाई और वो भी उसके तरफ देख के हंसने लगी। एंड फ्लोरिस्ट हर ब्रूम एज सी कॉल्ड आउट, फ्लोरिस्ट वेव्ड, फ्लोरिस्ट मीन्स वेव्ड, वेव करना हलाना। एंड फ्लोरिस्ट हर ब्रूम एज सी कॉल्ड आउट, और जैसे ही उसके साथ बात करते हुए उसने अपना जो हाथ में जो ब्रूम था वही सफाई करने वाला जो ब्रश है, लॉग हैंडल ब्रश, स्वीपिंग ब्रश, तो वो हला के उसने उसके साथ बात करना चालू किया। हाउ डू यू डू, आर यू सिक, उसने पूछा कि हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, आर यू सिक, तुम बीमार हो क्या। लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रोक, क्रोक मीन्स डीप हॉर्स साउंड और श्रील साउंड, कर्कश आवाज। एंड क्रोक्ड आउट एज होर्सली एज अ रैवन, होर्सली वही कर्कश, रैवन मीन्स अ लार्ज ब्लैक बर्ड ऑफ प्रे ऑफ द क्रोकाइंड, जो शिकारी पक्षी होता है, यहाँ पे क्रो के जैसा दिखने वाला, जो कवे के जैसा दिखने वाला बर्ड होता है उसे कहते हैं रैवन। तो लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रोक्ड आउट एज होर्सली एज अ रैवन, उसने जो विंडो है ओपन कर दी और एकदम कर्कश आवाज में, जोर से कर्कश आवाज में, जैसे जो बर्ड चिल्लाता है जो शिकारी पक्षी होता है रैवन, तो उसके तरह उसका आवाज था, उसने बोलना शुरू किया। बेटर थैंक यू, कि मैं कैसा हूँ, आई एम बेटर थैंक यू,
आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन सेट अप अ वीक, मुझे क्या हुआ था, बैड कोल्ड, सर्दी खांसी हुई थी, और बीन सेट अप अ वीक, एक हफ्ते से, एक वीक से मैं घर के अंदर ही हूँ, बंद हूँ, ऐसा उसने, लॉरी ने बताया. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर. द रिमेनिंग स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.